नमस्कार, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विदाउट ओवन हम केक कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको कुकर में केक बनाना बता रही हूँ। देखिए, केक के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1.5 कप शक्कर ली है, पिसी हुई है ये, 1 कप से कम मैंने घी लिया है, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, ज़रूरत के हिसाब से हमें दूध लेना है। यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून में बेकिंग सोडा लिया है, एसेंस लिया है वेनिला एसेंस, 2 अंडे लिए हैं, आप विदाउट अंडे के भी बना सकते हो। और ये पेन को मैंने घी से ग्रीस करके और इस पर मैदा छिड़क के रख दिया है। मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर छान लेते हैं। अब मैं शक्कर और घी को अच्छे से फेंट लूँगी। सबसे पहले मैं घी को फेंट लूँगी हैंड ग्राइंडर से। अब शक्कर डाल के फेंटूंगी। घी और शक्कर फेंट लिया अच्छे से। अब मैं अंडे डाल के फेंट लेती हूँ। ये फिट चुका है। अब मैं इसमें एसेंस डाल देती हूँ। इसमें आपको 1/2 टीस्पून के आसपास एसेंस डालना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर फेंटती हूँ। बहुत ही गाढ़ा पेस्ट है, तो अभी हमको और मैदा डालना है। तो मैं 1/2 कप दूध डाल लेती हूँ पहले इसमें। और दूध डाल के फेंट लेते हैं। अब मैदा डाल लेती हूँ मैं, और पूरा मैदा डाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से फिट गया है ये, और इतना स्मूदी होना चाहिए। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में डाल देती हूँ, जिसमें मैंने घी से ग्रेस करके रख रखा है। इसे हमें फुल नहीं भरना है, 1/2 ही भरना है, क्योंकि ये फूलेगा। अब मैं कुकर को गर्म होने के लिए रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। पहले हम कुकर को गर्म करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ बेकिंग के लिए मैं कुकर को तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये कुकर में नमक डाल देती हूँ। ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया है बेकिंग के लिए। इस तरह से ये इस तरह का स्टैंड अंदर रख दूँगी मैं। अब मैं इसे गैस पे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। इसे हमें प्रीहीट करना पड़ेगा और ढक्कन लगा दूँगी। मैं ये ढक्कन लगा दिया है, सीटी निकाल देंगे हम इसकी। यहाँ गर्म हो चुका है ये। अब मैं ये केक का पेन अंदर रख देती हूँ। ये मैंने अंदर रख दिया अच्छे से और ढक्कन लगा देती हूँ और गैस को बिल्कुल कम पे कर देती हूँ। और इसे कम से कम 45 या 50 मिनट लगेंगे पकने में।
अच्छे से पकने में, लेकिन उसके बीच में हम 30 या 35 मिनट के बीच में हम इसे चेक कर लेंगे एक बार। चलिए हम देख लेते हैं हमारा केक रेडी हो गया क्या। ये देखिए कितना अच्छे से फूला है इसमें। ये नाइफ डाल के देखती हूँ मैं, देखिए बिल्कुल नहीं निकला इसमें, बिल्कुल नहीं चिपका है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए इसी में रहने देती हूँ, फिर बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये केक हमारा बन के तैयार हो गया है और ये कितना अच्छा बना है। किनोरे भी अपना आप ही इसकी छूट गई हैं सब दूर से। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए कितना स्पंजी बना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।